हेलो स्टूडेंट्स, आ जाओ भाई। देखो यार, लेट हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी एक। और वो बड़ी मुसीबत क्या थी मैं आपको बताऊं कि यार, ये इस टाइम उधर से धूप आती साइड से ना, तो चमक रहा था, तो बगल से चमक रहा था। इस वजह से हम पर्दा लगाने लगे थे वहाँ पे, और इसी वजह से क्या हुआ, आपका काफ़ी लेट हो गया, मतलब 10-5 मिनट लेट हो गया ना। चलो, तो वैसे भी आप सभी जानते हैं, जो हमारे अच्छे बच्चे हैं वो इंतज़ार करते हैं, उनको पता है कि क्लास तो शुरू होगी ही अगर शेड्यूल है तो, अगर नहीं शुरू होना रहेगा तो बताया जाएगा। तो ऐसा बहुत कम हुआ है कि जब क्लास शेड्यूल हो और ना चले। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। और जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो कुछ क्वेश्चन आप सभी रिपीट करोगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए रेनू वर्मा जी, बताइए कुछ समझ में आया हम क्या बोले। तो हम बीजगणित पढ़ रहे थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। सभी जितने भी छात्र जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन कौन जुड़ गया है। हाँ तो भैया सब आ गए हो ना, सबके सब आ गए हो ना। चलो तो कुछ सवाल यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिए। अभी अभी इसे आप करे थे, 1/x^5 × 3x^8, इसका मान बताओ। आप सभी हल करके देखते हैं कौन कौन कर लेता है। रवि जी बताइए, अर्पिता सिंह, अनंत। तो चलो बच्चा जवाब दो पहले। मैंने एक सवाल लिखा है, छोटा सा है, ये बताओ। देखो पहले 2 मिनट शुरू शुरू के, 2-3 मिनट हम कुछ कम पढ़ाई वाली बात करते हैं, बात इधर उधर की ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि हम इंतज़ार करते हैं बच्चे आ जाएं। हाँ, हम अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, हमारा इंटरनेट सही है भैया, मत परेशान हो। आप अपना चेक करो, सबका चल रहा है ना बच्चा, सबका चल रहा है ना भैया, चल रहा है ना। तो सबका चल रहा है मिस्टर, आप ही का गड़बड़ है। हाँ सबका चल रहा है यार, तुम लोग हमारे ऊपर का है सारी मुसीबत ढकेल देते हो। चलो ठीक है, अब ये सवाल का जवाब दो कितना आएगा, सभी बच्चे बताएं जल्दी से कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा भाई, कितना आएगा। चलो ठीक है, देखो मैं बताऊं तो ये इसका गुणा करोगे तो ये 3x^8 / x^5 बनेगा, ये बनेगा ना। यानी हम इसे लिख सकते हैं 3/1 × x^8 / x^5। तो ये घातें घट जाएंगी, इससे 3x^3 लिखेंगे ना, कितना लिखेंगे, ये 4 कहाँ से आ रहा है यार, ये गुणा हो रहा भैया, जुड़ नहीं रहा है, मल्टीपल हो रहा है, का हो रहा है, गुणा हो रहा है। लिखते चलो फटाफट, चलो ठीक है आगे चलें। शाम 4 बजे से 5 बजे तक बिल्कुल फ्री जीरो लेवल मैथ की लाइव क्लास शुरू हो चुकी है। चलिए, आप सबको पता है ना, इसको कर लिए। देखो इस तरह के बहुत सारे सवाल अभी हमने आपको बताए थे, लेकिन अब हम ये सब नहीं करेंगे हर समय, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, 5 मिनट बच्चे आ जाएं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एक और सवाल है, इसका जवाब आप लोग दे लोगे ना, सभी बच्चे बताओ भाई। सुमित निषाद ठीक हो ना, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ नए नए सवाल हम लेके आए हैं, पेज नंबर 32। कह रहा अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, ध्यान दो, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो संख्या बताओ। देखो सवाल लिख रहा हूँ, पहले सुनो, जो कक्षा 8 की एनसीईआरटी बुक रखे हैं वो पेज नंबर 32 खोल लें, पेज नंबर 32 में पहला सवाल, ध्यान से सुनो,
जिनको मैथ सीखना है प्यार से सुनो। देखो क्या है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, अगर आपको किसी संख्या से क्या है भैया 1/2 घटाने को कहा जाए और परिणाम को 1/2 से गुणा भी करने को कहा जाए, ध्यान से सुनो, और परिणाम को 1/2 से गुणा करने को, घटाने को और सवाल लिखो सभी बच्चे कॉपी में, परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वो संख्या बताओ, सभी बताओ, करने पर 1/8 प्राप्त हो तो संख्या बताओ। देखो भैया इस तरह के सवाल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, इनको आपको लिखना होता है, अगर नहीं लिखोगे तो मज़ा नहीं आएगा बच्चा लोग, ठीक है? तो आप लोग सवाल ज़रूर लिखो बाबू भैया, ठीक है, समझ रहे हो ना, सवाल ज़रूर लिखा करो। आयुष्मान प्रोजेक्ट, नितेश यादव और कुछ बच्चे जुड़े हैं नए नए, सभी बच्चे क्लास को लाइक करो बाबू, ठीक है, सभी साथी क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा देर ना करें। देखो मैं तरीका बता रहा हूँ, बस ध्यान दो, कह रहा है कि कोई संख्या में से 1/2 घटाने को और जो परिणाम आएगा घटाने पे उसे 1/2 से गुणा करने को कहा जाता है, तो 1/8 प्राप्त होता है। तो भैया देखो संख्या तो हमें पता है नहीं, कह रहा कोई संख्या को, तो लिखोगे माना संख्या बराबर, माना संख्या बराबर यक्स, भाई संख्या कुछ ना कुछ मानेंगे ना बाबू, मानेंगे ना। चलो अब क्या कह रहा है कि संख्या से 1/2 घटाने, अब लिखो प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, संख्या से 1/2 घटाने को मैंने कर लिया और जो परिणाम आए उसे 1/2 से गुणा करने को कहा जाए, ये लो मैंने गुणा भी कर दिया, तो कह रहा है कि 1/8 प्राप्त होगा, ये समीकरण है। चलो जल्दी करो, ब्रजेश यदुवंशी जी सवाल में दिमाग लगाओ भाई, शर्ट में नहीं लगाओ। चलो कितना आएगा, अच्छा आएगा तुम्हारो गोली, ये बताओ कितने लोग कर लोगे, जल्दी बोलो यस, कितने बच्चे ये सवाल कर लेंगे, जो कर लेंगे बोलो हाँ, जो नहीं कर पाएंगे बोलो नहीं, कर लोगे कि नहीं। बहुत आसान है ये सवाल, एकदम हलवा है। कह रहा है कि यदि आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और जो परिणाम है उसको 1/2 से गुणा करने को कहा जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या बताओ। मान लिया मैंने कि वो संख्या यक्स है, हाँ कर लूँगा ना, तो उत्तर बताओ। मिस्टर ज्योति कुमार जवाब दो भाई, चलो बिरजेश यदुवंशी, ऋषभ, गौरव सिंह जवाब दीजिए, कितना आएगा? देखो मैं इधर साइड में हल कर दूँ कि नीचे, हाँ कुछ लोग जब मैं उत्तर पूछने लगा तो नो बोलने लगे, बड़ा अच्छा बच्चा हो यार, तुम कहाँ से आए हो, पहले अंदर अंदर हिसाब कर लो, तो 2x-1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा ये 2x-1/2 इंटू 1/2 इक्वल 8 गुणा करो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, कर लो हिसाब, इस तरह से आपका ये हो जाएगा 2x-1/4 और बच्चा ये 1/8 ही रहेगा। आ रहा ना समझ में, छापे रहो फटाफट, देर मत करो, कुछ बच्चे अभी इंतजार कर रहे हैं कि उनको व्हाट्सएप पे भेजेंगे तब आएंगे वो। चलो अरे इसमें मैसेज शेयर कर रहे हैं भाई, और कुछ नहीं, इसका गुणा करो, 8 से गुणा कर लो, 8 × 2 = 16x, 8 का गुणा 1 में करोगे 8 होगा, 4 का इधर गुणा कर लो 4 होगा। अरे अब तो बता दो यार, अब तो आ गया ना, दिव्या गुप्ता का उत्तर आ गया है, रंजीत यादव का आ गया है, लेकिन रिशु का भी आ गया है, यही बात नहीं, सबसे खास बात है कि तीनों लोगों का अलग अलग आया है, श्रुति तिवारी का भी आ गया, जहाँ तक मुझे लग रहा है श्रुति का सही होगा। तो भैया यहाँ तो दिख रहा ना तुम लोग को,
यहाँ तक दिख रहा है, यानी 16x बराबर हम 4 धन 8 लिखेंगे तो यक्स बराबर बच्चा ये 12/16 आएगा बाबू। 4 से काटोगे, 4 3 12, 4 4 16। देखो मैंने सही कहा ना, श्रुति तिवारी का सही है, बाकी इन सब का गलत है, इसमें से काफी लोग का और भी पहले सही था। चलिए ठीक है, दिव्या गुप्ता का भी सही है, रंजीत जी का गलत है भाई। और रंजीत जी आप कैसे कर रहे हो ये 1/2 कहाँ से ले आए यार, मतलब कहीं फिक्स था का पा गए हो पहले से। छाप लो भाई जल्दी जल्दी, छाप लो फटाफट फटाफट, छाप लो देर ना करो। हो गया ना, मिटाऊं? पहले सवाल एक बार पढ़ो, फिर से पढ़ो, बार बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो। कक्षा 8 की मैथ का ये सवाल है, एनसीईआरटी बुक है जिसके पास, पेज नंबर 32 खोल लो, खोल के देखो ध्यान से है कि नहीं है ना। चलो फिर अगर है तो फिर बढ़ो आगे। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग हैं। मिटाए ना, छाप लिए भाई, छाप लो तो क्लास को भी लाइक कर दो। हाँ चलो, कहना ना पड़े, अच्छी बात नहीं बार बार कहना, गंदी बात है। इस तरह के सारे सवाल अब कर लोगे ना आप लोग, हाँ कर लोगे ना। इसमें मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको लिख लो, एक होमवर्क दे रहा हूं इसको लिखो, किसी संख्या से 1/2 घटाने को और परिणाम में 3 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या बताओ। ये होमवर्क है। चलो सवाल बदल गया, सवाल बदल गया, होमवर्क बताओ। रोज तो नहीं चलती क्लास, आज फ्री थे क्या? ब्रजेश कुमार दुबंसी, आज संडे है, आज संडे है भैया जी, तो संडे को ना क्लास कुछ अलग से होती है, संडे को रेगुलर क्लास नहीं होती है, तो रात वाली क्लास नहीं चलेगी आज, सुबह वाली भी नहीं चली थी, तो ये कुछ स्पेशल क्लास होती है। इसका जवाब दोगे कि ऐसे बैठ के देखोगे ही सब लोग? चलो बताओ कितना आएगा, इसका जवाब दो भाई कितना आएगा। अरे कुछ बोलोगे कि ऐसे मुंह में दही जमाए बैठे रहोगे? नहीं कर पा रहे हो क्या? नहीं आ रहा तो नो लिख के कमेंट करो, नो लिख के कमेंट करो, मतलब हमें नहीं आ रहा है। चलो जिनको नहीं आ रहा नो लिखो, नो कुछ ना लिखोगे तो भगवान है मालिक है। चलो अगला सवाल पे चलें, अगला सवाल नंबर है 5वां नंबर है इसी में का। दो संख्याओं में अनुपात 5 और 3 का है, यदि उनका अंतर 18 है तो संख्याएं बताओ। चलो दो संख्याओं में 5 3 का अनुपात है, यदि उनका अंतर 18 है तो संख्याएं बताओ। आशा जी क्वालिटी चेंज कर लो भैया, अच्छा दिखेगा, सुंदर सुंदर दिख रहा है, एकदम सुंदर दिख रहा है पूरा। दो संख्याओं में 5:3 का अनुपात है, यदि उनका अंतर, अंतर मतलब घटाना, अंतरात्मा समझ रहे हो ना, 18 है तो संख्याएं बताइए, बताइए जी मिस्टर, कुछ करिए। चलो कितना आएगा? अपरजीता जी अभी आप आ रही हो, अर्पिता पहले से आ गई हैं, अब अपरजीता भी आ गई, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, कॉम्बिनेशन ठीक है। दो संख्याओं में 5:3 का अनुपात है, यदि उनका अंतर 18 है तो संख्याएं बताइए। आप सभी बच्चे बता लोगे, इसमें कोई मुसीबत की बात ही नहीं है। चलिए तो देखो, पहले समझो, आप इनमें मानोगे उनका अंतर 18 है तो संख्याएं बताइए। दो संख्या मानना है ना, माना संख्याएं लिखो, माना संख्याएं बराबर एक्स कामा वाई, क्यों जी? यही ना, एक्स वाई मानोगे कि एक के मानोगे? 5:3 का अनुपात है,
नहीं, आप इसमें मानोगे एक ही मानोगे, माना संख्या बराबर यक्स, सिर्फ एक ही मानोगे। क्या मानोगे? एक्स मानोगे ना? देखो आगे आप लोग का जाने तो मैं नहीं बताने वाला। हाँ ऋषभ वर्मा बताए हैं, दिव्या ने बता दिया 45-27। चलो देख लेता हूँ सही है गलत है। 45-27 पहले तो घटाओ, इसमें 18 आना चाहिए, इसमें से घटाओ तो बच्चा 8 आएगा, इसमें से घटाओगे 3 में से दो गया 1। अरे कहाँ थे यार अभी तक, तुम्हें की तो ज़रूरत थी भाई। बहुत अच्छा, वेरी गुड, अब नहीं बताऊँगा मैं। चलो तो ये संख्याएं कौन कौन सी हैं, 45 और 27 हैं, कैसे करे वो भी बता देना, इन लोग को जान लाएं, कमेंट कर दो फट से कैसे किए हो मिस्टर आप। चलो बताओ, ठीक है हो गया ना सबका। चलिए तो क्या मानोगे इसमें संख्याएं, यक्स मानोगे क्या मानोगे? तो ये हो गया आपका, इसको कर लेना, अब मैं नहीं बताने वाला हूं। एक और लिखो, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, एक परिमेय संख्या को 1 परिमेय संख्या को, भाई सवाल लिखो, अगर पढ़ना है तो लिखो, नहीं पढ़ना है तो फिर जाओ, यहां मजा नहीं आएगी। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। कितना होता है? प्राप्त होता है तो संख्या बताओ कितना आएगा। भाई कुछ तो बोलो ना यार, मुंह में दही जमा के बैठे हो, कम से कम कुछ तो बक्को ना। देखो पहला नंबर तो कह रहा है कि एक संख्या में, यानी ये संख्या तो बता नहीं रहा है, वैसे कंफ्यूज कर रहा है धीरे धीरे। तो पहले हम संख्या मानेंगे कुछ भी, हम मैथ वाले हैं, बहुत कुछ मान लेते हैं, गधा को भी भगवान मान लेते हैं, भगवान को भी गधा मान लेते हैं वक्त के अनुसार ना। चलो भाई सॉरी अगर किसी को बुरा लगा, लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूँ, समझने वाली बात मैथ में समझो। चलो हम भी मानते हैं भगवान को। चलिए एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है तो संख्या बताइए। तो माना संख्या बराबर यक्स। कह रहा कि 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़े, यानी पहले तो लिख लो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्नानुसार, संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर परिणाम बड़ा भयानक आता है -7/12। संख्या का मान बताइए। चलो बताओ बच्चा, बोलो फटाफट, बोलो सभी बच्चा, बोलो जल्दी करो भाई, देर नहीं करने का। चलो ठीक है लिखें, इनको हल कर लो यार, देखो बहुत आसान है, ये सीधे साधे हैं। ये हो जाएंगे 5x/2 = -7/12, और ये छोटा उधर जाएगा भाई, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी -2/3। ये उनके साथ हल हो जाएंगे, वो उनके साथ हल हो जाएंगे, तो इनको हल कर लो, 5x/2 = तिरछा गुणा कर लो, नहीं तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 12 आएगा ना भाई, भिन्न तो हल करना तुमको खुद ही आना चाहिए। तो एलसीएम 12 आएगा, 12 को 12 से भाग करोगे 1 आएगा, 1 का 7 में गुणा 7 होगा, -3 से 12 में भाग करोगे 4 आएगा, 4 का 2 में 4 दूना 8। बात पक्की हो रही ना? चलो 12 3 4 12 4 2 8, तो बच्चा ये 5x/2 = 8 7 हो जाएगा, -15/12, तिरछा गुणा कर लो,
दिव्या राजपूत आ गया आपका, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। देखो जो बच्चे क्लास 9, 10 या DLED या कोई भी SSC बैंक रेलवे के ग्रुप में जुड़े हैं, अगर उनको बेसिक मैथ की लिंक भेजी जाती है तो वो ज़रूर देखा करें, ये बात याद रखना अपने दिमाग के अंदर पहले से। तो चलो बच्चा क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर दो तो 5x का गुणा 12 में हो जाएगा बराबर -15 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो ये 60x गुणा कर लो -30 आएगा, x बराबर -30/60 आएगा बच्चा, माइनस का 1/2 आएगा, लेकिन हमारा ये माइनस का है आ गया, हाँ -7/12 प्राप्त हो रहा था, वो तो मैंने लिखा था और हमारी क्या गलती थी, यही आया था ना भाई, माइनस आएगा कि प्लस आएगा ये बताओ, आस्था भाई उजाला सभी प्लस बता रहे हैं, माइनस बता रहे हैं, ऐसा कैसे, देखो एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर 5/2x हो गया, 2/3 जोड़ने पर, अरे हम घटाए देखा यार, ओ हम 2/3 घटाए थे ना, वहां पे जोड़ने पर बोला था, चलो जाने दो ये घटाने पर है, ठीक है यहाँ पे घटाने पे कर लो बाबू, ठीक है क्या करोगे, घटाने पे या जोड़े थे, हम क्या किए थे भाई, जोड़े थे ना घटाए थे हम, चलो मैं फिर से कर लेता हूँ इधर साइड में, मुझे याद नहीं क्या है, देखो देख लेता हूँ फिर से इधर साइड में देख लेता हूँ क्या क्या करना था और क्या क्या मैंने किया था, इसे आप लोग लिखना मत अभी, क्लियर कर लो पहले, देखो संख्या मैंने x माना था, 5/2 से गुणा किया था और 2/3 क्या कह रहा है, जोड़ने को जोड़ दिया था, ठीक है जोड़ने पर, इस तरह से हमारा 5x/2 और धन 2/3 बचेगा, उधर साइड जाएगा ये 2/3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सही तो किया हूँ ना यार भाई, ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ठीक है डोंट वरी, -1/2 आएगा, क्या आएगा बच्चा लोग, -1/2 आएगा, चलिए लिख लो माइनस में ही आएगा, आप लोग इसे छाप लो, जो नहीं लिखे हैं वीडियो को पीछे करके लिख लेंगे और ज़्यादा लिखने के चक्कर में नहीं पड़ना, खुद से करना, चलो मैं जांच कर देता हूँ उत्तर की जांच कर लो बच्चा, -1/2 आया है ना, चलो उत्तर वेरीफाई करते हैं, कह रहा 5/2 से गुणा करने पर मैंने कर दिया, 2/3 जोड़ने पर मैंने जोड़ दिया, -7/12 प्राप्त होता है मैंने प्राप्त कर लिया, अब हल करेंगे अगर दोनों पक्ष बराबर आएगा तो सही है नहीं तो गलत है, देखो ठीक है तो भैया एक गुणा कर लो तो -5/4 हो जाएगा, धन 2/3 हो जाएगा बराबर -7/12 हो जाएगा, ये 3 × 5 = 15, -15 और धन का 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा बराबर -7/12 हो जाएगा, जोड़ लो बच्चा ये हो जाएगा फाइनल में माइनस का नहीं प्लस माइनस घट जाएगा, तो यार -3/12 आएगा, 1/4 आ रहा, इसका मतलब गलत है क्यों, क्यों क्या है गलत है ना, भाई यार बराबर आना चाहिए ना, एक बार फिर से रुको मैं इसकी जांच करता हूँ, कोई बच्चा जाएगा नहीं, ध्यान से देखना, क्लास छोड़ के कतई मत जाना, मैं जांच पड़ताल करके दिखाऊंगा, चेक करूंगा, ध्यान दो, यक्स की प्लेस पे रख लो, का रख लें भैया एक्स की प्लेस पे, चलो ठीक है मैं जांच करता हूँ, ध्यान दो मैं इसको फिर से करूँगा, 1/2 अगर उत्तर आ रहा तो ये गलत लग रहा मुझे, ये 5/4 हो जाएगा, ठीक है धन 2/3 जोड़ दिया बराबर -7/12 होना चाहिए, 3 × 5 = 15, 4 × 2 ओ ये गलत हुआ है यार भाई साहब, ये 4 × 2 = 8, ये 8 होगा बाबू, 8 होगा, कितना होगा 8,
तो 15, 5, 20, 23 तब तो और नहीं आएगा। हाँ, हो गया। गुड गुड गुड, देखो सही है, उत्तर सही था। ये घटाओगे तो -7/12 आएगा, इसका मतलब आंसर सही है। क्या आएगा? -7/12 = -7/12। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया समझ में ना? यानी ये क्या था, उत्तर की जांच थी, और वो संख्या है -1/2, जिसमें 5/2 जोड़ के गुणा करके 2/3 जोड़ने पे -7/12 आता है। जांच हो गई, आप लिख लो। समझ गए ना तो छाप लो बच्चे लोग। चलो सभी छाप लो, समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। अब देखो आगे क्या होता है भैया, आगे बहुत कुछ हो रहा है, इसको मैं मिटाए देता हूँ। ये लो जा रहा है, ये मिटा दिया मैंने। उत्तर की जांच सही निकल गई ना, अच्छी बात है, इसका मतलब सवाल सही था। अगर उत्तर की जांच करने पे उत्तर गड़बड़ लग रहा है तो मतलब सवाल गलत है। चलो ओके, गुड गुड, वेरी गुड, आगे बढ़े भाई। बच्चे काहे नहीं जोड़ रहे हो यार, तुम लोग शेयर नहीं करते हो क्लास को। कहा क्लास को शेयर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बाबू? कम से कम शेयर किया करो यार। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, मैं देख रहा हूँ क्या है। 13 नंबर तो होगा, 29 खोलो। चलो इसको बता देता हूँ। साहिल की ब की वर्तमान आयु, साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। लिखो साहिल की माँ की वर्तमान आयु, साहिल के माँ की वर्तमान आयु जो है वो साहिल की आयु की 3 गुनी है। साहिल की आयु की 3 गुनी है, पूछ का रहा है। इसको भी देख लो बच्चा, कह रहा कि 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 हो जाता है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 66 हो जाता है। दोनों की वर्तमान आयु बताइए, चलिए दोनों की जो प्रेजेंट एज है वो कितना होगी, वर्तमान आयु। ये बहुत आसान है, एकदम आसान है, एकदम छोटा छोटा टॉपिक है, छोटा छोटा सवाल है, बस आप लोगों को ट्राई करना है और फटाफट बता देना है, ठीक है? चलो जल्दी करो, जितने भी बच्चे हैं फटाफट बताओ कितना आएगा। सो के आ रहे हो ना? ये PBR स्टडी के स्टूडेंट सबसे गंदे हैं भैया, दिन भर सोते रहते हैं। देखिए फिर से सवाल को एक बार पढ़िए। कह रहा साहिल की माँ की वर्तमान आयु, साहिल की आयु की 3 गुनी है। भाई माँ की आयु तो हमेशा बच्चे से ज़्यादा तो होगी, ऐसा तो नहीं कि बच्चा बड़ा होगा माँ छोटी होगी। तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे हल। तो पहले किसकी आयु मानोगे? साहिल की जो आयु है वो साहिल की माँ की जो आयु है वो साहिल की आयु की 3 गुनी है कह रहा है। तो पहले साहिल की आयु मानोगे कि माँ की मानोगे, बताओ पहले किसकी आयु मानेंगे? ध्यान से देखो, जो जिस पे डिपेंड है उसी पे होगा। हल किया हुआ गलत है, क्या कह रहे हो? हम इसमें से हल देख के नहीं हल करवाएंगे, परेशान मत रहो, जो भी आएगा सही सही आएगा, टेंशन मत लो। चलो गलत है जाने दो। देखो क्या करना है, साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की आयु की 3 गुनी है। तो भैया पहले लिखो साहिल की आयु बराबर, माना माना साहिल की वर्तमान आयु बराबर। यार लिखोगे तभी मजा आएगा, नहीं लिखोगे तो ऐसे बैठे रहो।
बैठे रहो, देखोगे कुछ समझ ना आएगा, नींद आएगी, बैठ के सो। पहले साहिल क्या मानोगे? साहिल क्या बराबर यक्स वर्ष। उसके बाद माँ की आयु कितना होगा फिर? इसलिए माँ की आयु बराबर भाई साहिल की आयु की 3 गुना, यानी 3x। इतना ही, अभी बात खत्म नहीं होती। आगे क्या कह रहा है? कह रहा कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 66 हो जाता है, तो दोनों का वर्तमान आयु बताओ। अब पहले 5 वर्ष बाद तो सोचो, अगर आज आप 15 साल के हो तो 5 वर्ष बाद कितने साल के होगे बताओ। सभी बच्चे कमेंट करके बताओ, आज 15 के हो तो 5 साल बाद 2025 में कितने के हो जाओगे? भाई 15 5 20 के हो जाओगे ना। तो आप पहले दोनों की 5 साल बाद देखोगे कंडीशन क्या है। लिखो, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद साहिल की आयु, साहिल की आयु बराबर यक्स प्लस 5 वर्ष। और फिर लिखो 5 वर्ष बाद माँ की आयु, माँ की आयु बराबर कितना हो जाएगा भाई? 3x + 5 यही हो जाएगा ना। बस यही करने को तो कह रहा था। देखो 16 और 48 आ रहा ऋषभ का, ज्योति कुमार का 20 आ रहा है। अच्छा, ये तो मैं जोड़ने वाला बताया था। ठीक है ऋषभ वर्मा जी, ठीक है जो भी है। चलिए आगे देखते हैं। साहिल की वर्तमान आयु हो गया, साहिल के माँ की आयु कह रहा है कि आयु जो है उनकी 3 गुनी है, ये भी हो गया। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 66 है, तो अभी हमें योग करना है। योग मैंने नहीं किया 5 वर्ष बाद ये दोनों। चलो आगे प्रश्नानुसार लिखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, सवाल मिटाऊं कि उत्तर? चलो मैं सवाल मिटा रहा हूँ। कह रहा कि 66 वर्ष है 5 वर्ष बाद, कितना है भैया? 66 वर्ष है। ध्यान दो, यहां तक दिख रहा है ना? देखो जो भी आएगा। हाँ ठीक है, जिनका आ गया वो चुप रहो। चलो अब लिखो प्रश्नानुसार, गड़बड़ हो रहा है यार। प्रश्नानुसार दोनों की आयु का योग 66 है भैया, दोनों को जोड़ के बराबर 66 कर दो बच्चा। बस यक्स धन पांच एमए जोड़ दो, 3x + 5 बराबर 66 कर दो, और यक्स का मान निकाल लो, उत्तर आ गया। किसी का 16 42 आ रहा, 48 आ रहा, किसी का 14 42 आ रहा, ये अलग अलग का है आ रहा है। भाई मैथ का जो उत्तर होता है ना इस तरह के सवाल का, वो एक ही उत्तर होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो चलो जोड़ लो, ब्रेकेट खोलोगे तो ये 4x हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, बराबर 66 हो जाएगा। तो 4x बराबर इसमें से 10 घट जाएगा, 56 हो जाएगा। 4 से भाग दे दो, 4 1 4, 4 4 चौका 16 14 आएगा। बिल्कुल सही है, श्रुति तिवारी का सही है, बाकी इन सब का गलत है भाई। तो यक्स बराबर 56/4, 4 1 4 4 4 चौक 16, 14 साल आएगा। साहिल की वर्तमान आयु 14 होगी। ऋषभ वर्मा तुम कहाँ से बोल रहे हो यार? धरती पे हो कि पताल में हो? पहाड़ नहीं आता क्या तुमको? अच्छा ये 16 चौका 56 किया होगा, 16 चौका 56 किया होगा ना। चलो अब लिखो यहाँ पे, अतः साहिल की वर्तमान आयु यक्स बराबर, लिखो अतः साहिल की वर्तमान आयु यक्स बराबर। इकाहे ऐसे कर रहे हो यार तुम लोग भाई? अरे यार ये जोड़ो, 5 5 10 होगा, ये 66 है, 10 घटेगा 56 आएगा, 4 से भाग करोगे 14 आएगा ना। सबका 16 48 आ रहा है, कमाल की बात है भाई। 16 48 वालों का गलत है, पक्का गलत है। और हाँ अगर किसी का लग रहा है सही है तो सिद्ध करो। रुचि कुमारी, राधा देवी, आप लोग जो भी बता रहे हैं 16 48 वो सिद्ध कर सकते हैं। कैसे बोलो, कैसे हुआ? अब यहाँ पे लिखो, अतः साहिल की वर्तमान आयु यक्ष बराबर 14 वर्ष, तथा साहिल के माँ की वर्तमान आयु 3x बराबर 3 × 14 = 42 वर्ष। भाई बोलो कैसे आया? आप लोग का 48 वाले कहाँ गए? चलो बोलो या ना बोलो, गलत है तुम लोग का, बस जान लो।
लिख लो, इसे छाप लो फटाफट, लिख लो जल्दी से, देर मत करो। ये हो गए साहिल की वर्तमान आयु 14 वर्ष और उसकी माँ की आयु 42 वर्ष। आलिया अंसारी अभी आप हेलो हेलो बोल रही, बस क्लास खत्म हो रही तब तो आप बोलते रहिए हाय हेलो। चलिए मिटाऊं, छाप लो जल्दी से। जो बच्चे नहीं छाप पाते हैं ना वो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और अगर उसमें भी नहीं काम बन रहा है ना तो वीडियो को स्क्रीन पर टच करके रोक लो, बाद में लिखना। और एक बात ध्यान देना, कोई बच्चा वीडियो डाउनलोड नहीं करेगा यूट्यूब पे। अगर ऐसा करोगे तो आपको सारी क्लासें मिलेंगी, और अगर बच्चा तुम लोग डाउनलोड करोगे तो भैया फिर हम सारी क्लास यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, जान लो। फिर सिर्फ लाइव पढ़ पाओगे, बाद में देख नहीं पाओगे, इसलिए सभी ऑनलाइन देखना। चलो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल की तरफ चलें। क्या पढ़ा रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट टॉपिक, मुझे इंग्लिश नहीं आती भाई एंजल। ये है बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 8 के लेवल की है। सवाल अगला देखना, सवाल नंबर अगला देखो, ये हो गया 148 का 12। चलो एक नया सवाल, प्रत्येक के पदों का गुणांकों को पहचानिए। तो चलो पहला है 5xyz³। मैं सवाल का मतलब लिखूंगा ऊपर, माइनस है बच्चा इसमें 3zy। कह रहा प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। कितने पद का ये व्यंजक है ये बताओ, प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों का नाम बताइए, गुणांकों का नाम बताओ। तो चलो भाई बताओ कितने पद का है ये। बताइए, जवाब दीजिए। नो टॉपिक, इसमें कोई टॉपिक नहीं है, एक ही टॉपिक है मैथ। और अब जो सवाल है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है, बीजगणित का है। दो पद और गुणांक 3। रिशु जी बिल्कुल सही, रिशु भैया पीवीआर स्टडी के विशेष स्टूडेंट हैं। तीन पाठी और दीपादी का लिखे हो यार, तृप्ति और दीप्ति लिख रहा है मुझे। तो देखो ये द्विपदीय व्यंजक है, एक ये है एक ये है, तो लिखोगे द्विपदीय व्यंजक। और गुणांकों का नाम देखो बच्चा, गुणांक कौन कौन है भाई, इसके गुणांक 5 है, इसका 3 है ना, गुणांक एक में 5 है एक में 3 है, द्विपदीय व्यंजक है ये, द्विपदीय व्यंजक। तो चलो अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला, ठीक है, वन प्लस एक्स का स्क्वायर करो फिर हम इसको बताएंगे। सभी बच्चे जवाब दो, सवाल का जवाब दीजिए, लड़के लड़की मत देखिए। चलिए कितना आएगा, 9.1 का जवाब दो बच्चा लोग। आ रहा है, हाँ तो देखो इसमें द्विपदीय था व्यंजक, ये भी तीन पदीय व्यंजक है, ये तीन पदीय व्यंजक है। लेकिन एक बात ध्यान दो, यहाँ पे गुणांक की अगर बात करें बच्चा तो इसे ऐसे लिखो 5xyz³, इसमें गुणांक 5 है और -3zy में गुणांक -3 है। लिखते चलो फटाफट, ये गुणांक हैं
कपिल मौर्य जी बताइए, श्याम सुंदर पांडे जी आप भी आ गए। चलो तो ये गुणांक समझ गए भैया, गुणांक मतलब जो दिए गए पद के साथ में कांस्टेंट होता है वही गुणांक होता है। चलो इसमें क्या करेंगे बच्चा, इसमें इसमें तीन पद ये है और गुणांक की बात करें तो सब में वन है, यक्ष में एक गुणांक है, यक्ष का स्क्वायर में एक गुणांक है और ये खुद है गुणांक है, इसका कोई गुणांक नहीं है। भाई समझ में आ रहा बच्चा लोग तो लिख लो यार, क्लास को भी लाइक करो ना, सभी साथी क्लास को फटाफट लाइक करो, झटाझट देर ना करो। चलो कितने पद हैं ये समझ गए, रंजीत यादव समझ में आ रहा ना। चलिए अब आगे देखना, आगे देखना क्या होने वाला है वो देखो, आगे बड़ा खतरनाक चीज होने वाला है। अगर मैं एक ही सवाल करूं, सवाल नंबर 21 लिखो, इसे अच्छा लग रहा है। ये बताओ 1000 में कितने पद हैं, जिनको एक बार और देखना हो वीडियो पीछे करके, एक बार नहीं 5 बार देखें, थोड़ा वीडियो बैक कर लो फिर देखो कितना पद है इसमें। एंजल आप भी बताइए, इंग्लिश के साथ साथ मैथ भी पढ़िए, कितना पद है इसमें। हाँ मिस्टर रिशु साहनी, श्वेता सिंह, शिवम यादव, जानवी यादव, और कोई बताएगा कितना पद है इसमें। अच्छा ठीक है तुम लोग बहुत जानते हो तो चलो एक और बता दो, 22 नंबर लिख लो, सुंदर लग रहा है ये। यक्स प्लस यक्स इसमें कितना पद है, इसमें कितना पद है। खुशबू यादव, रंजीत यादव, ऋषभ, पंकज, ज्योति, श्याम सुंदर, कपिल, अनूप। कब भैया अनूप तुम मंगल ग्रह से आए हो का यार, तुम सबसे निराले लग रहे हो, तुम सबसे निराले लग रहे हो काहे, और तुम्हारा उत्तर उससे भी खतरनाक है। इसमें चार पद काहे को बता रहे हो यार, कौन चीज देख के, इसमें एक पद है। अहे एमए ना, एमए भी एक ही पद है। अब कहोगे कैसे एक ही पद है, कैसे एक ही पद है, देखिए श्रुति तिवारी समझ गई, एक बार तो गलत किया था इन्होंने फिर समझ गए, ये सब एक बराबर पद है, 3x हो जाएगा जुड़ के। और भैया ये जुड़ गए तो सब एक हो गए, अलग अलग थोड़ी हैं ये सब भाई भाई हैं, एक ही पद है, नहीं तो पेपर में ऐसे जाके लीप पोत के चले आओ, तो लीपना पोतना नहीं, नहीं तो सैतना बाहर ना भी पड़ेगा। अब चलो देखो, अगर मैं ऐसे करूं कि ये 4x का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है और ये 3x का स्क्वायर है। चलो 23 में बताओ, 23 में कितना पद है। अब वही एक है बता दिया हूं तो इसका मतलब नहीं सब में एक पद होगा, हाँ लेकिन दिमाग लगा लो कितना है। श्याम सुंदर पांडे जी बहुत अच्छा, अमित सिंह भाई बहुत अच्छे, उजाला मौर्य, और कोई एनीवन, कितना पद है हमें भाई। ये कौन है, घमंडी लाल मीना, भाई तुम्हारा नाम ही घमंडी है तो फिर हम आगे बोलें क्या। चलिए श्वेता सिंह ने एक पद बताया है, रंजना देवी ने 3 बताया है, ज्योति कुमार ने भी 3 बता दिया, और जानवी यादव ने तो सारी हदें पार करके 2 बता दिया। जबकि सही किसका है, सही है जिनका 1 बता रहे हैं, जो जैसे यशवंत केवट, मोहम्मद ईद अहमद, ज्योति कुमार, श्रुति तिवारी और रेणु यादव, इन सबका सही है। तो भैया हो, बाबू हो, राजा हो, इनको सबको जोड़ोगे तो ये जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये सब एक समान पद हैं, चर अचर इनके जो भी है, घात वात सब बराबर है ना। तो क्या होगा, ये 4 1 5 3 8, ये 8x का स्क्वायर हो जाएंगे। ये एक के पद है, 25 नहीं है, हमें एक पद है, कितना है, एक पद है भाई। इनको जोड़ घटा के देखोगे, अगर वो जुड़ रहे हैं तो फिर एक के पद है, नहीं जुड़ रहे हैं तो ढेर सारे पद हैं। जैसे यहाँ देखो, अगर ए धन बी, रुक जा भाई, धन सी, धन डी, धन ई, धन एफ, ए में बताओ कितना पद है,
चलो भाई, धरती वाले भी बताएंगे, मंगल चंद्रमा जितने भी ग्रह से हैं ये सब बताएंगे, जितने प्राणी हैं। चलो कितना पद है इनमें? रंजना देवी सबसे पहले 6 पद है। और कोई एनीवन? और कोई ज़्यादा बहादुर लड़का है में? श्वेता का भैया 5 है, श्याम सुंदर दास का 6 है और 1 भी है, यानी ये एक मत नहीं है, इनके ढेर सारे उत्तर हैं। अब कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग को ऐसा लग रहा है कि सब जोड़ के एक कर देंगे बस एक पद होगा, क्योंकि पिछले 3 सवाल से एक पद हो रहा है, तो उनके दिमाग में घूम रहा है कि चाहे जितना पद वाला रहेगा हम केवल एक बताएंगे, बस केवल एक लिखेंगे, बस हमारा सही हो जाएगा। देखो अभी पूजा श्रीवास्तव भी उसी झंझट में है अभी तक, इनको लग रहा है कि चाहे जितना पद रहेगा हम कुल मिला के एक के बताएंगे बस, है ना। लेकिन अब कुछ कुछ जाग रहे हो आप लोग। देखो यार, पहले ठंडे दिमाग से ये सोचो, बहुत आसान है ये समझना, बहुत आसान है। ये देखो कि वो जुड़ेगा एक में कि नहीं जुड़ेगा, और उसके जुड़ने के बाद कोई नया प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भैया जैसे कंकड़ पत्थर ले लो, एक बाल्टी में पानी भर के उसमें डाल दो, तो ऐसा तो नहीं कि मलाई बन जाएगी उसकी, कि बनेगी? कंकड़ पत्थर लेके बाल्टी में पानी में डाल दोगे तो मलाई नहीं बनेगी, नहीं बनेगी ना, मतलब वो घुलेगा नहीं, फिर कंकड़ अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। और अगर उसी पानी में ले जाके शक्कर चीनी डाल दो, नमक डाल दो, आटा डाल दो, मैदा डाल दो, घोल लो, तो क्या बनेगा? एक नया चीज़ बन जाएगा ना, मतलब समझ रहे हो ना। तो वैसे इसको समझो, ये जुड़ेगा नहीं, ये सब कंकड़ पत्थर है, सब अलग अलग पद हैं, ये सब अलग अलग पद हैं भाई। देखो ये अलग अलग समुदाय के लोग हैं, और आपको मैंने एग्जांपल बताया था जब चार अचार पढ़ाते थे, कि आजकल हमारे यहाँ इंडिया में जो समाज है ना, वो अलग अलग जाति धर्म में अलग अलग समुदाय में शादी ब्याह को सही नहीं मानता है, संविधान भले सही माने वो अलग बात है, हाँ समझ रहे हो ना। तो वैसे ये सब अलग अलग समुदाय के हैं, अलग अलग समुदाय के हैं। जैसे आजकल देखो एक बड़ी ही खतरनाक विडंबना फैलाई जा रही पूरे देश में, कास्ट अलग अलग बता दी जाती है ना, कास्ट और धर्म जाति के आधार पर पूरा देश जो है उबल रहा है, क्या करें, धर्म के ठेकेदार जो है ना इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या करेंगे, बांटने वाला एक ही काम है ना। चलिए कि भैया तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम पंडित हो, तुम कोरी हो, तुम पासी हो, तुम का नहीं का हो, यही सब हो रहा ना आजकल, और वो सिर्फ चुनाव के लिए, ओनली वन वोट के लिए, बाकी कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं तुमसे मर रहे हो कि जा रहे हो, क्या हो रहे हो, कोई मतलब नहीं, जीत गए सरकार बन गई बस उनका काम बन गया, बाकी तुम क्या हो उससे नहीं मतलब है। तो ये बात में नहीं पढ़ना, यहाँ से बीच बीच से आप मोटिवेट भी रहना और समझदार भी बन जाना, किसी के कहने में नहीं पढ़ना। तो भैया सब अलग अलग पद हैं, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पद हैं, कितने हैं, 6 पद हैं। आगे देखो, अच्छा यही तरह एक और देख लो, ठीक है, ए धन बी धन सी धन ए धन डी और धन ई, एम कितना पद है, एम कितना पद है। पूजा श्रीवास्तव, जब आपका नेटवर्क ही वीक है तो ऐप में क्लास कैसे चलेगी बताइए, एमए कितना पद है भैया बताओ। चलो कितना है देखो, कुछ लोग 6 बताएंगे, कुछ 8 बताएंगे, कुछ 5 बताएंगे, मतलब कुछ तो दिमाग ही नहीं लगाएंगे। देखो ये गिन रहे हैं, सीधा फीधा गिन रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 ढकेल दे रहे हैं, लेकिन अभी तक वो समझे नहीं है, जो 6 बताए हैं वो समझे नहीं है। रंजीत यादव बता दिए कि 555 पद है, बहुत अच्छा, ये मंगल से आए सीधा फीधा, ये धरती वाले नहीं है, ठीक है। देखो एम ए और ए जुड़ जाएगा बच्चा, तो ये 2A हो जाएगा, कहाँ बोल रही यार ये, चलो आगे चलें, तो ये जुड़ जाएगा धन बी धन सी धन डी धन ई, अब एक का जोड़ो, ये ईमानदारी वाला आ गया, 5 पद हैं, कितने हैं, 5 पद हैं बच्चा, कितने पद हैं,
पांच पद हैं, पांच 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 पद हैं। तो इस तरह से आपकी ये क्लास भी ख़त्म हो चुकी है, अभी एक क्लास और होगी। अगर बच्चे जुड़ेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं जुड़ेंगे तो कोई बात नहीं, वो होगी 7 से 8 बजे। सभी बच्चे ज़रूर आना, बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट आगे जो बचा है उसको भी करवाएंगे। तो कितना बजे आओगे भाई? 7 से 8 बजे। डिस्क्रिप्शन में देखो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जो छात्र नए जुड़े हैं वो PBR स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पे सारे क्लास की लिंक शेयर की गई है, जैसे ज्वाइन करेंगे सब मिल जाएगी। और अगर आपको मैथ नहीं आती तो बहुत अच्छी जगह आप जुड़ गए हो, ईमानदारी से ये मान लो कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। मतलब क्या मतलब, आप मैथ सीख जाओगे पक्का, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे, का नहीं काउंट करेंगे। अरे वाह, आने लगा आपको मैथ। चलिए, ये नंबर दिया गया है जिन छात्रों को क्लास ज्वाइन करना है, प्रीमियम क्लास लेना है, पूरा कोर्स एक साथ लेना है, मैथ एक साथ कंप्लीट करना है, क्योंकि यूट्यूब पे तो ऐसे बीच बीच में क्लास होती है, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना नाम, शहर का नाम और क्लास का नाम लिख के भेजें, उनको कोर्स उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो वो जल्दी से जल्दी मैथ सीख जाएंगे 1 महीने के अंदर। हाँ, अगर 2-3 घंटा देखोगे हर रोज़, कम से कम 2 घंटा देखोगे तो महीने भर में काफ़ी कुछ सीख जाओगे मैथ में। तो ज्वाइन करें प्रीमियम क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। अब आना कितना बजे से? 7 से 8 बजे फिर से आना सभी, 7 से 8।